चलिए देखिए, एक आपका प्रोविजन है सर। क्या प्रोविजन है आपके सामने है? एक एक करके सारा प्रोविजन करते जाएंगे। रूल 371 में है प्रोविजन गिवन, और कहता है इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन। पहले तो ये शब्द समझते हैं सर, इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन क्या है। जब बात आ गई आपकी, मान लेते हैं आप एक्स वाई जेड किसी कंपनी में काम कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्स वाई जेड लिमिटेड, और यहाँ पे आप वर्किंग हो, और आप बहुत वफादार एम्प्लॉई हो। वफादार का मतलब समझते हो? ट्रस्ट वर्दी। आप कभी भी कंपनी के अगेंस्ट ऐसा कुछ काम नहीं किया, और काफी सालों से आप काम इस कंपनी में कर रहे हो, काफी टाइम हो गया, और ये सच्चाई है। आज के टाइम पे एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढना इजी टास्क नहीं है, इसलिए आप कहीं ना कहीं थ्योरी में पढ़ते होगे एम्प्लॉय इज एन एसेट्स। आप आगे मैनेजमेंट पढ़ोगे तो वहां बताया जाता है एम्प्लॉय हमारा एसेट्स होता है। अब सर, ये एम्प्लॉय इसमें काम करता है, इसका तो जो पुराना एम्प्लॉय होता है ना, उसकी मालिक से, मालिक को जब भी कोई काम आता है ना, तो मालिक इसी को बुलाता है, यार इधर आ, ये वाला काम करवाना था तुम करवा देना जाके। यानी अगर कोई जरूरी काम आएगा तो ऑनर जो है वो सीधा ट्रस्ट इसके ऊपर करेगा, है ना? क्यों इसके ऊपर ट्रस्ट करेगा? काफी टाइम से काम कर रहा है, इसने ट्रस्ट को गेन किया है। सेम कभी भी इसको कोई भी परेशानी होगी ना, तो नया एम्प्लॉय, आज आपने ज्वाइन किया, आज आपने कंपनी में ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही बोलते हो कि सर मेरी बहन की शादी है, 5 लाख रुपए दे दो, मिल जाएगा आपको? नहीं मिल जाएगा। एक व्यक्ति 10 साल से काम कर रहा है, 15 साल से ट्रस्ट है, उसने ऑनर को बोला सर मेरी सिस्टर की शादी है, मुझे 5-7 लाख रुपए की जरूरत है। ऑनर क्या बोलेगा? कोई बात नहीं यार, ले यार, तो बोलना चाहिए था तेरे को पहले, अभी 5 लाख रुपए पकड़ ले, और भी चाहिए होगा तो बता दियो। इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑनर आपकी हेल्प कर रहा है तो ऑनर आपसे पैसे नहीं लेगा, पैसे रिटर्न लेगा। अब रिटर्न लेने के दो शर्तें हैं, या तो भैया तुम साल 2 साल 3 साल जो भी वक्त मांगते हो ले लो और इकट्ठा रिटर्न कर देना 5 लाख रुपए, दूसरा आपकी सैलरी है अगर मान लेते हैं 30,000 रुपए, तो 10,000 ले लो, 20,000 रुपए कटवा लो। और जो कटवाने वाली बात करी है ना मैंने, 20,000 रुपए, ढेरों सारे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इस प्रकार के लोन देते हैं। यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होता है हमारा इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर कंसेशनल रेट पे। यानी सर, मालिक ने जो आपको लोन दिया है एग्री, अगर आप एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय तुम कहीं बैंक से लोन लेते, अगर तुम एसबीआई से लोन लेते 5 लाख रुपए का, तो आपको सालाना 10% के हिसाब से अगर ब्याज देना पड़ रहा है तो साल का 50,000 रुपये आपका ब्याज में जाता। लेकिन मालिक और आपका रिलेशन अच्छा होने की वजह से इसने इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया है, आपसे इंटरेस्ट का कोई चार्ज ही नहीं ले रहा, तो ये 50,000 आपके बच रहे हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। समझ में आई कहानी क्या है? यानी कोई मालिक आपको फ्री में मतलब कर्जा दे रहा है, लेकिन उस पर ब्याज नहीं चार्ज कर रहा, तो गवर्नमेंट दिमाग लगता है इससे ब्याज नहीं लिया गया, कहीं और से ये लेता है, तो वहां ब्याज देना पड़ता, वहां जितना ब्याज देना पड़ता वो तुम्हारा बेनिफिट है, सैलरी में जोड़ो। अब मालिक दो तरीके से लोन दे सकता है, एक दे सकता है इंटरेस्ट फ्री और एक दे सकता है कंसेशनल। इंटरेस्ट फ्री का मतलब तुमसे ब्याज नहीं लेंगे यार, तुम्हारे हमारे इतने रिश्ते, तुमसे क्या ब्याज लेना। और एक होता है चल यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी कहीं से पैसा लिया है, तू मुझे 2% दे दियो बस साल के, सिर्फ 2%। यानी बैंक का रेट है कितना और इससे कितना लिया जा रहा है, तो मैंने आपको जो ब्याज दिया, ब्याज पे लोन दिया है, कंसेशनल रेट, कंसेशनल का मतलब सस्ता लोन दे दिया आपको, तो सर आपके बेनिफिट कितना मिल रहा है? 2% तो एम्प्लॉय पेड कर ही रहा है, इसको बेनिफिट कितने परसेंट का मिल गया? 8% जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। यहां पे कुछ कंडीशन है, कुछ रूल है सर। सर क्या कंडीशन, क्या रूल है?
यहाँ पे रूल और कंडीशन है, अगर आप 20,000 रुपये तक का अगर ऐसा लोन लेते हो तो आपके सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। कितने? 20,000। दूसरा कंडीशन ये, अगर आपने कोई ऐसी बीमारी के लिए लोन लिया है जो कि रूल के अंदर मेंशन है, जो 80DD या 80U के अंदर आ रहा है, यानी बहुत खतरनाक बीमारी, कैंसर, एड्स, बहुत डेंजर बीमारी, अगर ऐसे बीमारी जो कि लाइफ के ऊपर आ रहा है थ्रेट, तो ऐसे सिचुएशन में आप 20 लाख रुपए का लोन दे दो, उसका भी ब्याज आपके सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। समझ में आया? तो चलिए सर, हेडिंग क्या था हमारा देखिए, अब आपको हेडिंग समझ में आएगा, फटाफट से अब खत्म करेंगे। क्या कहता है सर? इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर कंसेशनल लोन दिया जाएगा ऐसे सिचुएशन में। ये रूल नहीं है, ये नए वाले में मैंने चेंज कर दिया है, नया टेन्योर भी आ गया है मार्केट में। कहता है इफ इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर इक्वल टू हायर देन SBI, यानी कुछ मालिक ना बहुत बेकार भी होते हैं, SBI में चल रहा है 10% और उसने 15% आपसे चार्ज कर लिया एम्प्लॉयर ने, तब तो भैया आपका परक्विजिट है ही नहीं। मतलब आपको लोन दिया 5 लाख, बोला यार तेरे को लोन तो दे रहे हैं, देख ब्याज देना पड़ेगा तेरे को, कितना ब्याज? बोला 15% लूंगा। अब भाई एम्प्लॉय बेचारा कहीं लोन मिल नहीं रहा, बोला दे दो भाई। तो बैंक से चार्ज, यहां पे देखो SBI का रेट कंसीडर किया जाएगा, आप PNB UNB की बात नहीं चलेगी, सिर्फ जो SBI का रेट होगा उससे हम कंपेयर करेंगे आपका कंसेशनल वाला। तो बोला गया SBI का रेट देन नॉट टैक्सेबल फॉर परचेजेस। पहले इस लाइन का मतलब समझ में आया कि अगर आपको ब्याज पे मतलब लोन दिया गया और ब्याज वसूला जाता है SBI के रेट से ज्यादा, तो परचेजेस है ही नहीं सर। लेकिन इफ इफ इंटरेस्ट रेट इन इफ इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉय लोअर ऑफ SBI रेट, मतलब 10% रेट था, आपसे 8 ले लिया गया, इंटरेस्ट SBI रेट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड ऑफ द मंथ। सर ये लाइन मैं तभी समझा पाऊंगा जब मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द मंथ का मतलब क्या है? लेस इंटरेस्ट पेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब कहने का मतलब है सर 2%, 2% आपके सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, बहुत सीधी सी बात है, समझ रहे हो? SBI का रेट कितना है? 10, आपसे वसूला कितना गया एम्प्लॉयर ने? 8, तो कितने आपके सैलरी में जोड़ा जाएगा? लेकिन वो इंटरेस्ट आपको निकालना भी पड़ेगा, उस इंटरेस्ट का निकालने का थोड़ा तरीका अलग है यहाँ। एक्सेप्शन केस है सर यहाँ पे, अगर आपका मेडिकल लोन है ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज स्पेसिफाइड इन रूल नंबर 3A, एक्सेप्ट लोन रीएम्बर्स बाय मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा, तो आपका कोई टैक्सेबल नहीं होगा सर, नो टैक्सेबल। समझे बात? अगर आपने लोन डज नॉट एक्सीड 20,000, तब भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है ना? SBI रेट प्रिवेलिंग द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो पहले दिन पे SBI का लोन का रेट है वही कंसीडर करना है। तो आपको इन चक्रों में नहीं पढ़ना, आपको पहले से रेट देगा एग्जाम। तो इसके ऊपर एक छोटा सा, पहले ये देखो प्रोविजन समझ में आया कि आपको मालिक ने क्या करा कि इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, कंसेशनल रेट पे लोन दे दिया, उस केस में क्या होगा। तो इस पे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 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 इनकम टैक्स सैलरी दो,
चलिए सर, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले इसके चार्ट बना दूं मैं, फ्लो चार्ट जैसे बनाता हूं कि क्या नहीं है, वो आपके लिए थोड़ा रिवीजन के लिए ठीक रहेगा। चलिए, हमने करा है सर। इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन, सर अगर इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन हुआ तो यहाँ सर दो बातें हो जाएगी। सर दो बातें क्या होगी यहाँ पे, या तो सर आपका लोन होगा एक्सीड 20,000 या लोन होगा नॉट एक्सीड 20,000। सर इसका क्या मायने है? अगर आपका हुआ नॉट एक्सीड तो यहाँ दो बातें देखनी पड़ेगी, नंबर वन और नंबर दो। अगर आपने लोन लिया है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, या फिर लोन आपने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया 15,000 रुपये, तो सर ऐसे सिचुएशन में ये नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। बट इसके अलावा अगर कुछ है तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है सर, या तो आपका लोन होगा इंटरेस्ट फ्री, या तो आपका लोन होगा इंटरेस्ट फ्री या होगा लोअर रेट, या होगा लोअर रेट पे। सर अगर आपका हुआ इंटरेस्ट फ्री, ऐसे सिचुएशन में फुल्ली टैक्सेबल, कुछ सोचना ही नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल। बट सर अगर हुआ आपका लोअर रेट पे, तो इफ एक्सीड, इफ तो या फिर करते हैं तो होगा हमारा टैक्सेबल इजिकल टू SBI का रेट लेस इंटरेस्ट रिकवर्स, ये हो जाएगा हमारा टैक्सेबल। सर यहां पे कितना टैक्सेबल होगा? एज पर लास्ट ईयर फर्स्ट डे, लास्ट ईयर फर्स्ट डे SBI रेट, जो SBI का रेट होगा लास्ट ईयर फर्स्ट डे पे, वो पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? जो चीज़ें मैं बता रहा था, जो चीज़ें मैंने पढ़ाया है, वही चीज़ सेम आ गई है। अब क्वेश्चन पे चल लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन देखिए। कहता है सर आपके बुक का ही, किताब का ही है, जिसके पास किताब है वो देख सकते हैं। 4.19 के आसपास होगा, ग्रीस आहूजा का क्वेश्चन है, 17 है। एक्स लिमिटेड हैज अ एडवांस इंटरेस्ट फ्री लोन आर फॉर परचेज अ कार। अब आर ने क्या करा, कार खरीदने के लिए लिया, बीमारी के लिए तो है नहीं सर ये। अगर कार खरीदने के लिए लोग चाहे किसी पर्पस के लिए, टैक्सेबल होगा सर आपका। कब लिया? 1/5/2021 में।
आर हैज बिन रेगुलरली रीपे इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपए, रीपे द लोन इन इंस्टॉलमेंट 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के आखिरी डेट पे. कंप्यूट वैल्यू ऑफ परकेजिट्स इफ इंटरेस्ट अज्यूमिंग चार्ज बाय एसबीआई कितने परसेंट, 10%. ठीक है, हर बार वो 20,000 रुपए की किस्त दे रहा है. हमें निकालना कब के लिए, हालांकि क्वेश्चन में नहीं बोला, तो आपको पता 21 है तो 21-22 के लिए निकाल लेंगे हम निकाल लेंगे 21-22 के लिए, प्रीवियस ईयर. ठीक है, 21-22 के लिए टैक्सेबल इनकम निकालते हैं. सर कैसे निकालेंगे देखते जाइए. चलिए सर, हालांकि आसान तरीका है, मैं थोड़ा सा टेबलर फॉर्म में दिखा रहा हूं ताकि आपके लिए इजीएस्ट हो जाए. यहां लिख लेते हैं डेट या मंथ, यहां लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है, यहां लिख लेते हैं टाइम, यहां लिख लेते हैं प्रोडक्ट. ठीक है सर, अप्रैल से स्टार्ट करते हैं. अप्रैल लोन सर 5 में लिया है तो अप्रैल में तो कोई सवाल ही नहीं है. ठीक है ना, अब मई की बात करते हैं. मई मंथ में सर 1/5 को लोन लिया और कहता है ये रेगुलरली 20,000 पेड करेगा एंड ऑफ द मंथ में. मई में इसने लिया 5,00,000 का लोन, तो मई के एंड की बात करें, एंड ऑफ द मंथ की बात करें, तो सबसे पहले बताइए मई मंथ में इसने कितने का लोन लिया, 5,00,000, और एंड में मई में पेमेंट भी हो जाएगा, है कि नहीं. तो मई के जब एंड में पेमेंट हो जाएगा तो मई में के, और हमें क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है सर आपको जो चेक करना है ना, ये लाइन पढ़ाता हूँ, कहता है इंटरेस्ट एसबीआई का जो लेंगे रेट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग, जितना आउटस्टैंडिंग होगा बैलेंस एंड ऑफ द मंथ उसके ऊपर ब्याज लगाया जाएगा. यानी सर जब मैं मई में लोन ले रहा हूं और पेमेंट भी मैंने एंड में मई के कर दिया होगा, यानी मैंने मई में लोन लिया, आई एग्री, 1 मई को मैंने ले लिया लोन, 1/5 को, कितने का लिया सर 5,00,000, लेकिन हमें इंटरेस्ट निकालने के पर्पस के लिए एंड ऑफ द मई में कितना आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर ब्याज निकाला जाएगा. तो एंड ऑफ द मई के बात करें, 20,000 की किस्त जा चुकी होगी तो कितनी बची होगी, पहले इसको समझिए आप. कुछ बच्चे कहते हैं सर मई के अंदर तो 5,00,000 का कर्जा था. लॉ कहता है भैया शुरू वाले कर्जे को मत देखो, एंड में जो कर्जा है उसके ऊपर लेंगे. और एंड की कर्जे की बात करें तो एंड में ही उसने 20,000 पेड कर दिया, पेड करने के बाद मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग जो नजर आएगा वो आएगा 4,00,000. समझ में आ रही है बात आपको. मई के बाद क्या आएगा, जून, कितने होंगे, अगस्त, 4,40,000. पहले मंथ की बस तकलीफ थी, बाकी तो सब सिंपल है. जुलाई रह गया, अच्छा यहां जुलाई होगा ना, यहां लिख देते हैं जुलाई, ये गलत हो गया फिर तो. चलो सर जुलाई लेके आए, जुलाई 4,00,000, 4,00,000, 4,00,000, 4,00,000, पहले भी 4 ही आ रहा था, कुछ और रह गया, सही नहीं चल रहा. ओहो कोई बात नहीं, जून रह गया, कहाँ रह गया, 3,00,000, नवंबर 3,60,000, दिसंबर थोड़ा क्लोज चलेंगे 3, जनवरी
मार्च, किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे। है किसी का कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ रहा है कैसे लिया? अब हमारा यूज की बात करते हैं, पहले यहाँ तक देखिए कोई डाउट है तो। सर जुलाई रह गया, ठीक है ठीक है, मैंने लिख लिया है, लिख लिया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके होते हैं वैसे, आप इंटरेस्ट को निकालने के ना दो तरीके होते हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप कर लो। एक होता है सर प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, और एक होता है सिंपल मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड अभी नहीं कर रहे, सिंपल कर रहे हैं। इसको टोटल कर लीजिए, कितने आ रहे हैं टोटल करके? 41 लाख, देख के बताया ना। तो टोटल आउटस्टैंडिंग 41,80,000। अब सर इंटरेस्ट आएगा 41,80,000। अब देखिए, अगर मान लेते हैं एम्प्लॉयर बोलता भैया 2% दो, तो 10 रेट था, 2% ले रहा है तो हम 8% निकालते हैं। हाँ समझ रहे हो? अब यहाँ पूरा ही कुछ भी नहीं ले रहा तो कितना निकालेंगे पूरे? 10% निकालेंगे। तो 10% निकालते हैं यहाँ पे सर, इंटू में 10/100 और इंटू में 1/12। सर 1/12 क्यों? कभी भी ये, क्योंकि हर महीने का है, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आप कभी भी क्या करते हो, 10 दिन का निकालना हो और ईयरली डेटा हो तो 10/360 कर देते हो। ऐसे पूरे साल का निकालने के लिए ये किया जाता है। बताइए कैलकुलेट करके, 41,80 इंटू में 34,800 सर, दैट इज अ परकेजिट्स वैल्यू, और ये परकेजिट्स वैल्यू आपके सैलरी में जोड़ दिया जाएगा 34,833। समझ में आई बात आपको? अगर वही कंसेशनल रेट वाला होता, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करके सवाल इसका इतना बेनिफिट है नहीं, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यही कंसेशनल रेट होता, चलो मैं आपको दे ही देता हूँ होमवर्क में, आप इसको करिएगा। मैंने कहा एम्प्लॉयर रिकवर, एम्प्लॉयर रिकवर करेगा 6%। अब बताइए कौन बताएगा आंसर क्या आएगा? एम्प्लॉयर रिकवर करेगा 6%, यानी 10% SBI का रेट है, एम्प्लॉयर ने बोला 6% हम रिकवरी करेंगे। नसीन परवीन सर दोबारा बता दो, दोबारा जैसे कि जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग है हर महीने का ले लेंगे, इसको टोटल कर देंगे और टोटल को रेट लगाया और 1/12 करेंगे हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। 13, एक बच्चे का आंसर आ गया दूसरा क्वेश्चन का 13,000। अब देखते हैं लाइव वाले बच्चे यही जवाब दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं। दिशा का आ गया 13,933, 4% टैक्सेबल, शुभम ने कहा। सर सिंपल मेथड है ना? हाँ बिल्कुल सिंपल है, मेरे हिसाब से यही फॉलो कर लो, फिर मैं ये हटा ही देता हूँ। आप बच्चे परेशान हो जाओ क्योंकि इसका इतना अच्छा खासा रोल है नहीं और आप अननेसेसरी के परेशान हो जाओगे, हटा देते हैं इसको, ये लो सिंपल हो गया। मैं सोच रहा था प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड में पता ही क्या होता है, जिनको पता होगा वो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं फिर लास्ट में निकाल देते हैं, ठीक है क्लियर। एक पॉइंट हमारा होता है सर खत्म, SBI रेट वाला। किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए। एग्जाम में मैक्सिमम एक छोटा सा पॉइंट डाल देते हैं वो,
और बार बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ें।